दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। दोस्तों आज बातें स्मार्टफोन की नहीं होंगी, आज नहीं होंगी तो स्मार्टफोन की, लेकिन किसी पर्टिकुलर स्मार्टफोन की नहीं। बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे कि एक्सचेंज कैसे करना चाहिए या क्या प्रोसीजर होता है एक्सचेंज करने का, वही इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आप मोबाइल एक्सचेंज कर सकते हो, कैसे बाय कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें जो इससे रिलेटेड होती हैं उसी के बारे में बात करेंगे, कैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन और बाकी सारी वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो एक्सचेंज करके स्मार्टफोन को। चलते हैं वीडियो की तरफ। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद है डिसलाइक करना, मुझे बताना कि नहीं पसंद आया। दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड। जब हम एक्सचेंज की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग डरते हैं क्योंकि डायरेक्ट बाय करना, बहुत सारे लोग तो ऑनलाइन बाय भी नहीं करते हैं चीज़ें, तो बहुत सारे लोग डरते हैं कि अगर उनके पास पुराना फोन है उसे कैसे एक्सचेंज किया जाए, या सेल में जो एक्सचेंज के ऑफर्स आते हैं एक्स्ट्रा 4000 एक्स्ट्रा 5000 ऑफर्स, वो कैसे अवेल किए जाएँ। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग क्या होती है, एक्सचेंज ऑफर का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई पुराना स्मार्टफोन है, आप उसे नहीं रखना चाहते और नया स्मार्टफोन बाय करना चाहते हो, वो स्मार्टफोन अगर आप मार्केट में बेच रहे हो और 5000 रुपये मिल रहे हैं और एक्सचेंज ऑफर 4000 का चल रहा है, तो आपको 5000 का स्मार्टफोन 9000 में बिकेगा दोस्तों, यानी 4000 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा 5000 के ऊपर। जब आप नया स्मार्टफोन खरीदोगे तो उसके बदले आपको 5000 ही कट नहीं होंगे, 9000 रुपये कट होंगे क्योंकि 4000 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। ये एक्सचेंज ऑफर होता है सिंपल सा, मतलब अगर 4000 ऑफ रखा है तो 4000 एक्स्ट्रा मिलेगा, 5000 ऑफ रखा है तो 5000 एक्स्ट्रा आपके स्मार्टफोन के प्राइस के ऊपर उतना ऑफ मिलेगा, तो वो होता है एक्सचेंज ऑफर। बहुत वेबसाइट से जो देते हैं, मेन तीन है इंडिया में, सबसे पहला है अमेजोन, दूसरा है फ्लिपकार्ट एंड तीसरा Mi.com, मी स्टोर कह सकते हो उसे, हाँ क्योंकि Xiaomi के फोन्स बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं इसलिए मैं Xiaomi को भी ले रहा हूँ, एंड तीनों का एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैसे आप एक्सचेंज कर सकते हो। सबसे पहले शुरू करेंगे फ्लिपकार्ट से, फ्लिपकार्ट में कैसे एक्सचेंज कर सकते हो। सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट की वेबसाइट या फिर उसके जाना पड़ेगा ऐप पे, वहाँ पे जाके जो स्मार्टफोन आपको खरीदना है उसे आपको ऑन करना पड़ेगा, ऑन करने के बाद उसके ऊपर जाना है और देखना है स्मार्टफोन के थोड़ा सा नीचे कहीं पे भी प्रोडक्ट एक्सचेंज या एक्सचेंज ओल्ड डिवाइस करके, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है वैसे लिखा होगा एक्सचेंज ओल्ड डिवाइस, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, पहला आएगा आपका ऑलरेडी अमाउंट के साथ जो आप डिवाइस यूज़ कर रहे हो, AI ट्रैकर के साथ उसे अपने आप ट्रैक करेगा, जैसे अगर मैं Redmi Note 5 Pro यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें Redmi Note 5 Pro का ऑलरेडी अमाउंट लिखा रहेगा कि अगर आप इसे एक्सचेंज करना चाहते हो तो इतना डिस्काउंट आपको मिलेगा। उसके बदले अगर आपको कोई और डिवाइस जो यूज़ कर रहे हो वो नहीं, कोई और डिवाइस अगर एक्सचेंज करनी है तो उसके थोड़ा सा नीचे चले जाओ, वहाँ पे पॉइंट रहेगा सिलेक्ट अनदर डिवाइस, वहाँ से आप दूसरी डिवाइस यूज़ करके सिलेक्ट करके उसका IMEI नंबर डाल के आप टोटल वैल्यू कितना आपको डिस्काउंट मिलने वाला है वो फाइंड कर सकते हो। अगर आपको बाय करना है आपको पहले वैल्यू बताएगा, फिर अगर आपको खरीदना है तो IMEI नंबर डालो, देन टोटल फिर आपके कार्ट में चला जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट बाय कर सकते हो फ्लिपकार्ट से। इसके बाद दूसरा बड़ा वेबसाइट आता है अमेजोन का। अमेजोन की बात करें तो आपको मालूम है जैसे ही प्रोडक्ट पे जाओगे, पहले तो हम अमेजोन में आपको लॉगिन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जाना पड़ेगा प्रोडक्ट पे, जो भी आपको बाय करना है, जो भी स्मार्टफोन बाय करना है उसको ऑन करो, देन उस स्मार्टफोन के नीचे अगर आप जाओगे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो वहां पे आपको दो अमाउंट्स दिए रहेंगे विद एक्सचेंज अप टू डैश 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 ऑफ लिखा रहेगा, जो भी अमाउंट रहेगा ऑफ लिखा रहेगा, एंड विदाउट एक्सचेंज उसका ओरिजिनल प्राइस है। तो अगर आपको एक्सचेंज के साथ करना है तो विद एक्सचेंज पे जाना पड़ेगा। जैसे विद एक्सचेंज करोगे तो उसके नीचे क्लिक होगे, नया पेज ओपन होगा, वहाँ पे आपको ब्रांड नेम पूछेगा, जो आपको मोबाइल एक्सचेंज करना है उसका ब्रांड नाम पूछेगा। जैसे उस पर क्लिक करोगे फिर डिवाइस का मॉडल नंबर पूछेगा, जैसे पहले ब्रांड नेम Redmi, उसके बाद Redmi या Xiaomi, उसके बाद जैसे ही अंदर जाओगे तो मॉडल नंबर पूछेगा, नोट 5 प्रो नोट 6 प्रो जो भी आपको एक्सचेंज करना है वो आपको क्लिक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो आपको अमाउंट बता देगा। वहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट ट्रैक नहीं करता, मतलब जैसे आप जो डिवाइस यूज़ कर रहे हो डिवाइस का ट्रैक नहीं करता जैसे फ्लिपकार्ट में करता है, आप जो डिवाइस यूज़ कर रहे हो उसका अमाउंट पहले बताएगा, और अगर कोई और डिवाइस चेंज करना है तो उसके बदले आप वहाँ पे IMEI डाल सकते हो। यहाँ पे आपको जो भी डालना है आपको सिलेक्ट करके ही करना पड़ेगा अमेजोन में, तो कर सकते हो वहाँ से। फिर उसके बाद जैसे आपका कार्ट में चला गया आप वहाँ से बाय कर सकते हो, आपको टोटल अमाउंट बता देंगे कितना इतना अमाउंट इसमें से डिडक्ट हो रहा है। लास्ट आता है मी स्टोर पे। मी स्टोर पे जाओगे तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा मी स्टोर में, उसके बाद आपको स्मार्टफोन पिक करना पड़ेगा कौन सा आपको बाय करना है, देन उसके बाद बाय विथ मी एक्सचेंज करके एक ऑप्शन आएगा नीचे, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर वहाँ पे चार स्टेप्स हैं, चार स्टेप में पहला स्टेप है इवेल्यूएट ओल्ड डिवाइस, वो चेक करेंगे पुरानी वाली डिवाइस सही है नहीं, ये एक्चुअली Cashify.com से कनेक्टेड होता है इसलिए वो लोग चेक करते हैं कि डिवाइस में क्या प्रॉब्लम्स हैं, जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहेंगे उतना ही प्राइस आपका कम होते जाएगा, एक्सचेंज ऑफर का वैल्यू उतना कम हो जाएगा, जितने कम प्रॉब्लम्स रहेंगे उतना ज़्यादा आपको प्राइस मिलेगा। तो पहला वाला इवेल्यूएट है, मतलब वो चेक करेंगे, सेकंड वाला गेट एक्सचेंज कूपन, जैसे आपका इवेल्यूएशन खत्म हो जाएगा तो उसके बदले वो अमाउंट बताएंगे इतना अमाउंट हम आपको डिस्काउंट दे सकते हैं स्मार्टफोन के लिए, तो वो एक्चुअली एक्सचेंज कूपन होते हैं, अगर आप उसको
ले लोगे तो आपका एक्सचेंज कूपन जो है मी स्टोर में क्रेडिट हो जाएगा। यानी आप जब दूसरा स्मार्टफोन बाय करोगे आप या कुछ भी बाय करोगे तो उतने तक का बाय कर सकते हो, उसका कैश नहीं मिलता, एक्सचेंज कूपन्स मिलते हैं। देन उसके बाद थर्ड स्टेप है, आपको पिक करना पड़ेगा अपना डिवाइस जो आपको खरीदना है। जैसे ही आप पिक करते हो डिवाइस, उसके बाद आप एक्सचेंज कूपन उसको यूज करके बाय कर सकते हो। एंड लास्ट में तीनों वेबसाइट में अपने स्मार्टफोन आपको रेडी रखने हैं, जिस दिन वो डिलीवरी के लिए आएगा उसी दिन आपको स्मार्टफोन उसको देना है। वो चेक करेगा और देखेगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। बहुत सारे Xiaomi का तो मुझे ऑफर अभी तक एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसा करते हैं वो लोग, लेकिन Amazon ठीक ठाक है, वो ज़्यादा इश्यूज़ नहीं करता। Flipkart थोड़े इश्यूज़ करता है, इसके ऊपर पहले भी वीडियो बना चुका हूं मैं। एंड एक्सचेंज करने तो वहाँ से आप एक्सचेंज कर सकते हैं, वो लोग चेक करेंगे कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम्स रहते हैं तो एक्सचेंज नहीं करते हैं, रहते हैं तो अगर प्रॉब्लम्स रहा तो आपको रिटर्न कर देंगे आपका डिवाइस और एक्सचेंज नहीं करेंगे। ऐसा होता है Flipkart में ज़्यादा, Amazon में उतना नहीं होता, बट Flipkart में होता है थोड़ा। तो वहाँ से आप बाय कर सकते हो, अगर बाय कर लिया तो अच्छी बात है, बहुत सारे इश्यूज नहीं है अगर आपके स्मार्टफोन में तो एक्सचेंज हो जाता है। एक और चीज़, अगर आपको एक्सचेंज नहीं ले रहे हैं वो लोग स्मार्टफोन और स्टिल आपको बाय करना है स्मार्टफोन, तो आप उसके अलावा फुल पेमेंट करके आप स्मार्टफोन बाय कर सकते हो। ये है एक्सचेंज ऑफर, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। तो अगर आपको स्मार्टफोन एक्सचेंज करना है ऑफर्स में या अभी भी एक्सचेंज करना है स्मार्टफोन खरीदने के लिए, तो आप ये पूरी स्टेप जो है उसको फॉलो करके एक्सचेंज कर सकते हो। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए, पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, नहीं पसंद है डिसलाइक कीजिए, मुझे बताइए कि नहीं पसंद है। और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, क्या आपने कभी एक्सचेंज किया है स्मार्टफोन, क्या एक्सचेंज हुआ है, क्या Xiaomi या Flipkart या Amazon का जो विश मास्टर्स होते हैं जो स्मार्टफोन लेकर आते हैं वो आपके साथ इश्यूज करते हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन बताइए। इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ Amazon और Flipkart के ऊपर, देखिए जाके उसको भी। अभी के लिए इतना ही, और भी बहुत सारे वीडियोज़ में भी चेक कर सकते हो, साइड में देखो बैक में जो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।